हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज है सैटरडे का दिन और आज जो रीडिंग मैं लेकर के आती हूँ वो होता है आपकी पार्टनर की करेंट फीलिंग्स। ओके, आपके पार्टनर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो रही हैं, वो कैसे रह रहे हैं, किन स्थितियों का सामना कर रहे हैं, हम इसको देखने की थोड़ी कोशिश करेंगे। ओके, तो इससे पहले कि हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करें, आप अपने पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। हमारा सबसे पहला पाइल है गाइडेंस, सेकंड पाइल है आउटसाइडर, ओके, एंड थर्ड पाइल है करेज। ओके, जो भी पाइल आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कॉल कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, आप उसी पाइल को सेलेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर अपने पाइल को सेलेक्ट करें, अदरवाइज मैं अभी आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम अपने और सारे पाइल्स हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे फर्स्ट पाइल यानी कि हमारे जो गाइडेंस पाइल वाले लोग हैं उनकी क्या रीडिंग आती है, उनके पार्टनर्स उनके लिए या उनके पार्टनर उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कि एक्स्ट्रा डेक भी मैंने रखा है सो दैट अगर हमें रीडिंग के दौरान कभी भी एक्स्ट्रा कार्ड्स की ज़रूरत पड़े तो मैं उस डेक को रेफ़र कर सकूं। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे ना आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। ओके, मतलब आप किसी एक्शन या कुछ चीज़ का उनके साइड से वेट कर रहे हो। मे बी उन्होंने कोई आपको ऐसा बोला हो कि हाँ इतने समय में मैं सोच के बताऊंगी या बताऊंगा या कुछ ऐसा सा होगा, थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो मुझे उनके साइड से कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा है, कोई ऐसी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है जिसको आप ये कह सको कि हाँ ये पर्सन अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ कर रहा है। ओके, यानी कोई चीज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ओके अपने चीज़ों के तरफ, अपनी सिचुएशंस की तरफ आपको भागता हुआ नज़र आएगा, आपको अपने लिए आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करता हुआ मुझे नहीं नज़र आएगा। ओके, तो मुझे आपके पार्टनर के साइड से कोई ऐसा एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। ओके, कि हाँ वो कोई एक्शन ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कुछ करने में इंटरेस्टेड हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है, वो अपने ही किन्हीं ख्यालों में खोए हुए हैं। ओके, पास्ट में भी आप लोगों की बहुत मेजर लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सिचुएशंस ख़राब हुए हैं, फिर सिचुएशंस ठीक भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ख़राब हुए तो ख़राब ही रह गए, हमेशा हमेशा ऐसे ही रह गए, नहीं, सिचुएशंस आप लोगों के ठीक भी हुए हैं। इस पूरे सिचुएशन में ऑल्दो आप लोगों के बीच में बहुत डिफिकल्ट एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आगे जाकर के सिचुएशन सही होने का कोई कार्ड नहीं है। ओके, मगर हाँ वही है कि कहीं ये जो पर्सन है वो अभी बहुत माइंड में अपने कुछ सोच रहा है, कुछ प्लानिंग्स कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहा है, अपने इन ट्रू इंटेंशंस को नहीं बता रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं रिश्ते में आपके कल क्या होने वाला है। ओके, लाइक हर कोई अपने रिश्ते में कल क्या होने वाला है, कल कैसी रहेंगी चीज़ें, इस चीज़ को जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड होता है, मगर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज़ पे लाइट नहीं आने दे रहे हैं, उस चीज़ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल होने दे रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आपके पार्टनर ने क्या सोचा है, वो इस रिश्ते के साथ क्या करेंगे। ओके, या वो इस पूरे सिचुएशन में क्या करेंगे। देखिए, ऐसे लोग खुद भी डार्कनेस में रहते हैं, खुद भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, और अगर इस टाइप के लोगों से आप डिसीजन मांगोगे तो वो आपको ना एक अनसर्टेन वाले सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देंगे कि ऐसा होगा तब वैसा होगा, या थोड़ा टाइम रुक के देखते हैं, थोड़ा समय लेके देखते हैं। समय लेने देने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि समय लेने देने के चक्कर में
चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएं या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएं। फिर बात आती है यहाँ पे डेविल रिलेशनशिप की। देखिए, आपके जो पार्टनर है वो या तो किसी ऐसे रिश्ते में है, ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, बेबी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जहाँ से उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है, ओके, जहाँ से उनको काफ़ी नेगेटिविटी मिल रही है, जहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, ओके, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना ये आपके पार्टनर के लिए एक बहुत आम बात है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बहुत छोटी बातों पे गुस्सा करेंगे, बहुत लोगों के पार्टनर एडिक्शन के तरफ भी जा रहे हैं, बहुत लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की भी बात सुन के अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप कहोगे कि मैम अगर इतनी नेगेटिविटी है या इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है तो क्यों ना मैं इस पर्सन को छोड़ दूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया है छोड़ने का, कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को एक दूसरे के तरफ पुल कर लेती है। ओके, ये पर्सन जैसे ही आप इनको छोड़ने लगोगे अपने ज़रूरी कामों को छोड़ करके आपके अराउंड आ जाएंगे। ओके, आपका इनके साथ इंटीमेट होने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं। ओके, आपको सारे नेगेटिव पॉजिटिव ये वो दिखाएंगे और कहीं ना कहीं कहेंगे कि रुक जाओ मेरे साथ, रुक जाओ बहुत टाइम्स पे। आप देखिए, आप दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा है कि ये तो बात हुई कि एक तो बात हुई कि आपके पार्टनर कभी कभी बहुत ज़्यादा एंगर में चले जाते हैं, टेंपर में चले जाते हैं, गुस्से में चले जाते हैं, कंट्रोल नहीं होना चाहते हैं, चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, मगर जब आप उनके पास जाते हो या उनके पास पूरे सिचुएशन में आप प्रेजेंट होते हो तो आप उनको चीज़ें समझा पाते हो। ये आपको भी नहीं पता है कि कैसे एक इंसान जो दुनिया में किसी की नहीं सुनता है वो आपकी सुनने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, ऑल्दो ये तो आप लोगों के पर्सनल रिलेशन की बात हो गई, फिर आप दोनों के एनर्जी में टावर कार्ड मोमेंट चल रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये जो डेविल रिलेशनशिप है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं जो आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के लाइफ में आपको लेकर के या पूरे सिचुएशन में आपसे रिलेटेड किसी पर्सन को लेकर के है, मे बी वो आपके फैमिली को या आपके दोस्तों को या आपके जॉब को, आपके जीने खाने के तरीके को पसंद नहीं करते हैं, ओके, उसके वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा सिचुएशन जो है वो टावर पे चला जा रहा है। आपका एक अच्छा रिश्ता आपको फॉल होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए ये रिश्ता फॉल हो भी चुका है, मतलब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ओके, उनको आप कोई उम्मीद नहीं बची है, बस उनका दिल और दिमाग है। ओके, उनका उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपके पार्टनर की और आपकी, कि आपको लगता है कि हाँ आपने इस पर्सन को इतना चाहा, इस पर्सन को इतना लुक फॉरवर्ड किया, ओके, और बहुत सारे डिफिकल्ट टाइम्स में भी आपके पार्टनर आपके लिए बहुत एक सपोर्ट की तरह खड़े रहे। ऑल दो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ही रिलेशनशिप में थे जो खड़े थे। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों ने बहुत डिफिकल्ट जर्नी साथ में कंप्लीट करी है, तो आपका दिल नहीं मानता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो कभी एंड हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अभी। ओके, मनी वगैरह को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, कहीं ना कहीं किसी जुगाड़ में है कि उनका कोई अच्छा बिजनेस हो जाए, उनकी कोई अच्छी पार्टनरशिप हो जाए। बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है ये पर्सन, फिर भी इनकी जितनी अच्छी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी अच्छी तरक्की हो नहीं पा रही है। ओके, देखिए, मैं तो आपको एक चीज़ कहूँगी कि कहीं ना कहीं टावर एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन आपके रिलेशनशिप में लेकर के आ रहा है। ओके, मतलब कि जो चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए थी वो चीज़ें नॉर्मल नहीं रहने दे रहा है, एंड जो सिचुएशंस आप लोग नॉर्मली हैंडल कर लेते वो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ग्रोथ नहीं है रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी बात नहीं सुननी है, क्योंकि आप भी ऐसा नहीं है कि बस वही नहीं सुनेंगे, कभी कभी तो आपको भी इच्छा में आएगा कि इस पर्सन को छोड़ देना ही बेहतर है। वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ के वजह से है, क्योंकि डिफ़िकल्टीज पास्ट में भी आई हैं, कहीं ना कहीं डेविल का रिश्ता, टावर का सिचुएशन, हर्मिट जो आपके रिलेशनशिप में आप दोनों को एक दूसरे की चाहत रखने के बावजूद भी अकेला करता चला जाएगा। और बहुत लोगों के लिए पास्ट कुछ समय में अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोकस रहा कि रिलेशनशिप बैकसीट ले लिया, और जब रिलेशनशिप ने बैकसीट ले लिया फिर आप उसके पास आए
तो अभी आपको टेंशन और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये हो सकता है आपने या आपके पार्टनर ने अपने पर्सनल लाइफ को, अपने पर्सनल सिचुएशंस को इन कंपैरिजन टू योर लव लाइफ ज़्यादा वैल्यू करी, ज़्यादा रिस्पेक्ट करा, कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दी। आप भी कर सकते हो, आपके पार्टनर भी कर सकते हैं, एंड उसके वजह से रिलेशनशिप ना बहुत अकेले में चला। ओके, मतलब अकेलापन रहा रिलेशनशिप में। वैसे भी देखिए, बहुत लोगों का यहाँ पे जो रिश्ता है वो एक छुपा हुआ रिश्ता है, एक हिडन रिलेशनशिप है। आप दुनिया के सामने जाकर के खड़े होकर के बोलने की या तो आपके पार्टनर हिम्मत नहीं रखते हैं। इसमें जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो सोसाइटी के सामने अपने रिलेशनशिप को खुल के इकरार नहीं करना चाहता है। अब आप कहोगे, मैम हम लोग तो शादीशुदा हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनकी यहाँ पे शादी हो रखी होगी, तो ऐसा नहीं है, तब तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली सोसाइटी के सामने आ गया। तभी भी आप देखोगे कि जब आपके पार्टनर लोगों के अराउंड होते हैं, तब उनके बिहेव करने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके चीज़ों को करने का तरीका, उनका एटीट्यूड आपकी तरफ बहुत बदला बदला सा है। ओके, हेल्थ इश्यूज आपके पार्टनर के घर में या उनको ही आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा आप लोग लड़ोगे उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। आप दोनों के बीच में अभी जैसी सिचुएशंस हैं उसमें अगर आप ये सोच करके चल रहे हो कि नहीं हम लोग हैंडल कर लेंगे, हम लोग सिचुएशन को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अगर मैंने अभी जवाब नहीं दिया तो ये सिचुएशन कभी नहीं सुलझेगा, नहीं, अभी जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ करोगे उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ में पड़ोगे। सच को सच मानना अच्छी बात है, ओके, मगर कौन सा सच, कितना सच है ये भी देख लेना एक ज़रूरी फैक्टर है। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप, आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को के बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करने की रिक्वेस्ट करूँगी ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सही चला सकें, अपने माइंड को फ्री रखने के लिए बोलूँगी ताकि आप एक्टिव डिसीजंस ले सकें। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पास्ट में भी आपने इस पर्सन को अपने साथ लेके चला है, वो आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकलने देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इन एंड आउट करके हो, ओके, और जो लोग ऑलरेडी एक एंड को पहुंच चुके हैं, जिनका सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन का वेट करने से बेहतर है आप किसी न्यू पर्सन के लिए जाओ। ओके, जिनका रिश्ता थर्ड पार्टी के सिचुएशन की वजह से ख़त्म हुआ है, उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप सब कुछ अपने भगवान पे छोड़ दो। जो गलत करेगा वो गलत पाएगा, जो अकेला छोड़ेगा वो अकेला छोड़ा जाएगा। ओके, बहुत लंबे समय से आप इस सिचुएशन में हो, इस स्थिति में हो जहाँ चलना आपको काफ़ी मुश्किल लगता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो होती है रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग। आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे भी आपके ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि आप ऐसे ड्रेसअप क्यों करते हो, आप ऐसे रहते क्यों, आप इतना सोशलाइज क्यों करते हो, आप इतना फ़ोन पे बात क्यों करते हो, तो कहीं तो है प्रॉब्लम, तो है, तो यही उनकी करेंट फीलिंग है। ओके, यही उनके ज़िंदगी में करेंटली चल रहा है। मैंने आपको देख करके सारी स्थिति सिचुएशन बताने की कोशिश करी। अगर आपको मेरी जो रीडिंग है वो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टा एस्ट्रो पे नहीं हूँ, मैं बस और बस यूट्यूब पे हूँ और व्हाट्सएप पे अपने नंबर से रीडिंग करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है द आउटसाइडर। ओके, फाइव ऑफ कप्स। देखिए, वो भी सिचुएशन रहता है रिलेशनशिप में, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। जब आप किसी को चाहते हो और सामने वाला आपको नहीं चाहता है, और फिर धीरे 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 करके आप उस स्थिति से, उस पेन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हो कि चलो जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और चलो। और जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो तो जो लोग आपको पीछे छोड़ते हैं वो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा पछताते हैं, उन्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है कि जिस पर्सन को समय रहते हुए मैंने वो वैल्यू नहीं दी जो वो डिज़र्व करता था, आज वो चला गया। ओके, तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे धोखा दिया या आपकी वैल्यू नहीं करी,
या कुछ ऐसा किया जो आपके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज जो सबसे पहली चीज़ उनके करंट फीलिंग्स में आई है ना, वो है रिग्रेट। और हम अपनी गलतियों को तभी रिग्रेट करते हैं जब हमारी गलतियां जो हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं या कुछ ऐसा होती हैं जो होती हैं जो कि हम चाहते तो उसे रोक सकते थे बट हमने रोका नहीं। ओके, जब समय था तब हमने रोका नहीं, और आज के डेट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ लोग नहीं हैं या ऐसे पर्सन नहीं हैं जिनके साथ वो रह सकें, बट अब आप देखिए ये पर्सन बहुत अकेला हो गया है। ओके, अब इनको समझ में आता है कि इन्होंने जाने अनजाने क्या गलती कर दी, और ये अब थोड़ा लोनली रहने में, अकेले रहने में, या अपने पेन को नहीं डिस्कस करने में, अगर ये पर्सन दुखी भी रहेगा ना तो दुनिया वालों को नहीं बताएगा, बस अकेले में अपने मन में सोचेगा कि हाँ उसने क्या गलती कर दी, बहुत अफसोस करेगा। ओके, और आपके बिना, देखिए आप भी इस पर्सन के बिना खुश नहीं रहोगे, ये पर्सन भी आपके बिना खुश नहीं रहेंगे। जो कार्ड हमारा रिवर्स में आया था उसको मैं रिवर्स में ही रीडिंग करूंगी। एक अच्छे रिलेशनशिप को जो अच्छा चलता, स्टेबिलिटी ला करके देता, उस रिलेशनशिप को इन्होंने पूरा पलट के रख दिया। ओके, हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया था, मैं रिवर्स में ही रीडिंग कर रही हूँ। पलट के रख दिया, कहीं ना कहीं इस पर्सन को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप इनके साथ थे तब इनको पैसा चाहिए था, इनको खुशी चाहिए थी। ओके, आप इनके वजह से बहुत सारा वेट भी लूज कर जाओगे, आप इनके वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहोगे, और ये भी आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, मगर ये किसी को दिखाएंगे नहीं और ये आपसे बात करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। ये जितने टेंशन में हैं, जितने रिग्रेट में हैं, उतना रिग्रेट ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। तो कभी कभी तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ ये पर्सन, और इनकी एक्टिविटीज के बारे में आज के डेट में आप नहीं सोचना चाहते हो, इन्होंने जो किया उसके बारे में सोच करके आपका दिल फटता है, आपका दिमाग फटता है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और आज उसी पेन से आपके पार्टनर भी गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, देखिए आपके रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस थी। ओके, जब हम छोटे होते हैं, हमें कोई चीज़ मिलती है, हम काफ़ी खुश हो जाते हैं, उसी टाइप की हैप्पीनेस थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, साथ में घूमना फिरना, मज़े करना, लंबे लंबा लंबा टाइम स्पेंड करना। ओके, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखना। ओके, एक दूसरे के पीछे भागना। आज के डेट में ये पर्सन उन सारे चीज़ों को मिस करेगा, रिग्रेट करेगा। आपके भी माइंड में ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं चलते रहती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। ओके, ये जो डिस्टेंस आया आप दोनों के बीच में, ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर को आपने बोला कि हाँ भाई तुम मेरे से डिस्टेंस हो जाओ, कहीं ना कहीं ये डिसीजन उन्होंने खुद लिया आपसे दूर जाने का, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, इस रिलेशनशिप से निकलने का, इस रिलेशनशिप को पीस ना दे करके, शांति ना दे करके ये डिसीजन लेने का कि मुझे संभल संभल के चलना है। इस रिश्ते में कोई ऐसी बात नहीं थी कि इतना संभल संभल के चलना था। ओके, अगर नॉर्मल ढंग से ये रिश्ता चलता तो खुद ब खुद अच्छे से चलता, खुद ब खुद सिचुएशंस में नॉर्मली चलता, मगर देखिए या तो ये आपको ऐसा समझने लगे कि भाई आप तो बस अपने बारे में सोचते हो, आपकी केयर को नहीं देख पाए, आपके अंडरस्टैंडिंग को नहीं देख पाए, आप दोनों के बीच में बेबी इशू होने का भी चांस है, आप अगर आप लोग मैरिड हैं तो। ओके, या तो एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिविटी को भी झेल के, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे अभी तो रिश्ते में, मगर सब कुछ झेल करके आपने चाहा कि ये रिश्ता बरकरार रह जाए, ओके, सही रह जाए, उसके लिए आपने शांति मेंटेन करके रखा, उसके लिए आप चुप रहे, उसके लिए आप शांत रहे, आप बस अपने रिश्ते पे फोकस करते रहे, मगर इस चीज़ का उन्होंने गलत फ़ायदा उठा करके समय देखते ही वो निकल गए। ओके, आपने रोकने की भी कोशिश करी होगी, आपने समझाने की भी कोशिश करी होगी, लेकिन वो नहीं समझे, लेकिन वो नहीं जाने। ओके, हो सकता है इस पर्सन के ऊपर किसी पर्सन की इन्फ्लुएंस एनर्जी भी हो, ये जब आपको छोड़ के गए तब कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है उनके ज़िंदगी में जिन्होंने इन्हें ये बात कही हो कि भाई ये जो पर्सन जिसके साथ तुम हो वो तुम्हें कभी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो तो बस अपने बारे में सोचेगा। तो ये सब कुछ सोच के आपके पार्टनर जो रिलेशन
रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे ओके वो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दिया उन्होंने। हो सकता है कि आपके पार्टनर के जिंदगी में या आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आ गई हो और रिश्ते पे ना फोकस करके सिचुएशंस पे ना फोकस करके वो क्या करने लगे कि भाई पैसा पैसा पैसा, मैं तो इतना रिच हूँ या मैं इतने अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ या मैं इतने अच्छे स्थिति में हूँ कि मैं अपने हिसाब से चीजें चलाने की कोशिश करूंगा। बहुत टाइम्स पे देखिए एक रिग्रेट मुझे और भी यहाँ नजर आ रहा है जो कि है आपके पार्टनर का कि वो मैरिड हैं और वो आपसे रिश्ता नहीं चला सकते हैं ओके। तो आपने ये भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं मेरी मैरिज हो रखी है या मैं मैरिज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे तरफ या तुम्हारे पे फोकस नहीं कर पाऊँगा या मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी जो तुमने एक्सपेक्ट किया ओके। आपके रिश्ते के पकड़े जाने के भी बहुत चांसेस बनते हैं, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इश्यू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। मे बी उनके पेरेंट्स आपसे खुश नहीं हैं या आपके पेरेंट्स आपके पार्टनर से खुश नहीं हैं, मगर एक डाउट उनके मन में हमेशा रहता है, एक मलाल उनके मन में हमेशा रहता है। जब भी वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, जब भी आपस की कनेक्टिविटी के बारे में सोचते हैं ओके, हो सकता है ये पर्सन वाटर से ट्रैवल करके आपसे दूर चला गया हो फिजिकली, या आपसे अभी डिस्टेंस में काफ़ी दूर हो या मन से काफ़ी दूर हो ओके। इनके कोई सी ट्रैवलिंग भी दिखा रही है ओके। तो ये बहुत संभल संभल के रिलेशनशिप में कदम रखना चाहते हैं, अब भी ये सोच रहे हैं इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं ओके। मगर ये पूरा सिचुएशन आपस में एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है, इनको जो आपसे खुशी मिलती थी वो खुशी अभी अपने पर्सनल जिंदगी में नहीं मिल रही है। बहुत टाइम्स पे इन्होंने आपके तरफ बढ़ने की भी कोशिश करी मगर कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जो कि इनको लगता है कि वो पर्सन इनके लिए काफ़ी फ्रेंडली है मगर वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ओके। बहुत लंबा रिश्ता चला होगा आप लोगों का और आप लोग एक दूसरे की एनर्जी से मुझे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हो। मैं जब रीडिंग कर रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम आप नहीं जानते हो कि मैंने अपने पार्टनर को बहुत खुश देखा है, बहुत मज़ा करते देखा है, पार्टी करते देखा है। हो सकता है आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे देखा हो कि आपके पार्टनर काफ़ी मज़ा कर रहे हैं, काफ़ी फन कर रहे हैं, तो वो आउटर एनर्जी है। आउटसाइड दुनिया के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो परफेक्ट चल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है ओके। मज़ा करेंगे, ओकेजनली ड्रिंक करेंगे या रेगुलरली भी ड्रिंक कर सकते हैं, अपने मनी को शो ऑफ करेंगे। देखिए ये पर्सन मनी ओरिएंटेशन बहुत रखता है, बहुत ज़्यादा पैसा इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग पैसे के लिए शादी कर भी सकते हैं, शादी तोड़ भी सकते हैं। ऐसे लोग पैसे के लिए रिश्ता कर भी सकते हैं, रिश्ता तोड़ भी सकते हैं। हो सकता है कि आप पास्ट में ओके आप पास्ट में इनके लिए एक बहुत अच्छे ऑप्शन थे तो ये आपके साथ थे, फिर इनको आगे जाकर के और अच्छे ऑप्शंस मिल गए चाहे करियर में रिलेशनशिप में, तो ये उधर शिफ्ट करना शुरू कर गए ओके, उधर जाने लग गए ओके। अभी अपने फैमिली के साथ, पुराने रिश्तों के साथ, दोस्त वगैरह हो गए उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्टेड हैं। रिसेप्टिविटी, तो ऐसे भी आपके एनर्जी में एक चीज़ मैंने देखा है कि जो वो फील करते हैं वही आप भी फील करते हो, जो वो करते हैं उसी का रेसिप्रोकेशन, उसी का जवाब आप भी उनको देते हो। वो दुखी रहते हैं, आप भी दुखी रहते हो। वो छोड़ के जाना चाहते थे, आपने थोड़ा रोकने की कोशिश करी मगर आपने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया कि अब रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल चुका है। वो पैसे पैसे को लेकर के नेगेटिव होते गए और आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बचाते बचाते नेगेटिव हो गए, क्योंकि बचाने में फ्रस्ट्रेशन होता है, बचाने में एनर्जी जाती है, बचाने में सिचुएशंस प्रॉब्लमैटिक होते हैं, तो उन सब को हैंडल करते करते आपकी जिंदगी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए ओके। एनर्जी कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके अंदर अभी भी एक उम्मीद होगी कि ये पर्सन हो ना हो आज या कल आपके पास वापस आएगा ज़रूर। मैं ये तो नहीं कह रही कि ये पर्सन आएंगे नहीं, मगर अभी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग
अगर आते भी हैं तो ये आपको फुल टर्म कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर आते भी हैं तो जिस टाइप का आप रिश्ता चाहते हो, जितना डेडिकेशन चाहते हो, जितनी लॉयल्टी चाहते हो, वो आपको नहीं मिलेगी। कभी आएंगे, कभी जाएंगे, कभी बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से बात करेंगे। ओके, इमोशनल लाइफ्स में हमेशा अप एंड डाउन क्रिएट करते रहेंगे, मतलब कि रिश्ते में आपके हमेशा ही प्रॉब्लम्स डालते रहेंगे। एक नॉर्मल स्थिति में, एक नॉर्मल सिचुएशन में रिश्ते को नहीं चलने दे रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि भाई अब मेरा रिश्ता इसी डायरेक्शन में चले, तो बहुत मुश्किल है। ओके, बार 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 वाटर ट्रैवलिंग आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आ रही है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर विदेश वगैरह शिफ्ट होने के प्लान में हो, या विदेश में काम करते हो, या शिफ्ट कर चुके हो। ओके, और इनका जो फोकस है वो है अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर। तो अगर आप इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, तब तो आप कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इन रिश्तों में कनेक्टेड नहीं हो, तब आपके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस भी पर्सन को वो अपना जीवन साथी मानेंगे, उसी के पीछे भागेंगे। ओके, आपको भी पता है कि इस पर्सन के पीछे भागने का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसलिए आप दुखी भी रहते हो तो इस पर्सन को उतना ज्यादा रीच आउट करने की कोशिश नहीं करते हो। और कहीं ना कहीं रिश्ते में क्या अच्छा होना चाहिए, ये सबसे नीचे उनके लिए, ये पॉजिटिव होने चाहिए। इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इनको कंफर्ट मिलना चाहिए, इनके दिमाग से चीजें चलनी चाहिए। ओके, ये अगर रिश्ते पे ध्यान नहीं भी दे रहे हैं तो आपको इनके कंट्रोल में होना चाहिए। ये सारा कुछ मुझे नजर आ रहा है। एट टाइम्स वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि आप चले भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये चीजों को इतना उलझा के रखते हैं कि उस साइकिल से निकल पाना बहुत मुश्किल है। मगर इनके जिंदगी में कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। इस टाइप के लोग अपने रिश्ते को काफी छुपा के चलने में बिलीव करते हैं। इस टाइप के लोग बहुत ज्यादा घमंड भी करते हैं। ओके, एक बार तो ये कहेंगे कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ, बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ, और कभी कभी आपको इनके एक्शन से लगेगा जैसे ज़मीन से जुड़ना तो दूर, ये अपने रिश्ते से भी नहीं जुड़े हुए हैं। ओके, तो कुछ ऐसी एनर्जीज आई जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप कि आपको मेरी जनरल रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, आप बस अपने रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, और आने वाला आएगा जरूर, नहीं आने वाले को अपना अपनी किस्मत मान के जाने दीजिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट करें। सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है करेज पाइल। ओके, तो हिम्मत हर सिचुएशन में रखना अच्छी बात है। ओके, पता नहीं मेरे कार्ड्स में आज जो डोमिनेंट एनर्जी निकल के आई है मैक्सिमम लोगों के पार्टनर की, वो है रिग्रेट की। मुझे पता है ऐसा क्यों होता है। ओके, क्योंकि देखिए, आपके जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं, जब आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, जब आप लोग प्लान कर रहे होते हो कि हम लोगों को शादी करनी है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना है, हम लोगों को अपनी नई दुनिया बनानी है, तब कहीं ना कहीं एक प्यार का टेस्ट होने के नाते यूनिवर्स आपके पास कुछ नेगेटिव ऑप्शंस भी भेजता है। जैसे कि कोई और पार्टनर भेज देगा कि आप फ्लर्ट करते हो या नहीं, कोई और एक अच्छा सिचुएशन भेज देगा, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भेज देगा कि क्या आप प्रॉब्लम लेने के बाद भी रिलेशनशिप को चलाते हो या नहीं। ओके, और अगर उस समय आप फेल हो जाते हो तो आगे जा करके आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। आपके पार्टनर को सच कहा जाए तो चैन और सुकून तो नहीं है। ओके, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आपके पार्टनर काफ़ी शांति से जी रहे हैं, काफ़ी फन में जी रहे हैं, काफ़ी मज़े में जी रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़िंदगी जो उन्होंने अपने लिए क्रिएट कर ली है वो कहीं ना कहीं उनके लिए नाइटमेयर सा हो गया है। ओके, एक बुरे सपने की तरह हो गया है। उनको अपने कर्मास को भी डील करना पड़ेगा। ओके, उनके उनको अपने कर्मा को भी हैंडल करना पड़ेगा। जो चीज़ें उन्होंने करी हैं उसको हैंडल करना होगा।
जो गलतियां उन्होंने करी है उसको हैंडल करना पड़ेगा। ये पर्सन अपने आप को सोने के लिए रोने का सहारा लेना पड़ेगा। इतने ज्यादा दुखी रहेंगे, जरूरी नहीं है कि आप ही के वजह से दुखी रहे, हो सकता है ये अपने पर्सनल जिंदगी से भी काफी थक गए हों, काफी परेशान हो गए हों, इनके जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं है, किसी को अपनी मन की बात नहीं कह सकते हैं। तो जब कोई अपने मन की बात किसी को नहीं कह पाता है, या जानता है कि अगर उसने कहा भी तो सामने वाला नहीं समझेगा, तो ऐसे स्थिति में लोग अपने गम को अपने पास रखने में ही यकीन करते हैं। मदरली इश्यूज हो सकते हैं, या मदर टाइप के किसी पर्सन के एसोसिएशन में इश्यूज हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर के लाइफ में कोई फीमेल है। ये फीमेल मदर, वाइफ, मौसी, चाची कोई भी हो सकती हैं, जिनको जिनका इम्पैक्ट, जिनका कहते ना अधिकार, या जिन जिन जिनका अधिकार नहीं कहते, इम्पैक्ट मतलब किसी सिचुएशन में लाइक प्रभाव पड़ना, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और वो पर्सन आप लोगों की शादी नहीं होने देगा, वो पर्सन आपके रिश्ते को सक्सेस से पीछे मुड़ा करके ले आएगा। ईविल प्रैक्टिसेस के भी चांसेस बनते हैं, ऐसे लोग किसी भी टाइप के सिचुएशंस को टर्न करना जानते हैं, किसी भी टाइप की स्थिति को टर्न करना जानते हैं। याद कीजिए कि आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के मैरिज में क्या प्रॉब्लम आई। क्या हुआ कि रिश्ता जो इतना अच्छा चल रहा था, जरूरी नहीं है कि आप 1 ही 2 महीने में शादी करो तो भैया मैरिज है, और अगर 5 साल बाद की प्लानिंग करो तो मैरिज नहीं है, मगर क्या इश्यूज आए, क्या प्रॉब्लम्स आई उन चीज़ों में जो आप लोगों के प्लान्स बने हुए थे, उन स्थितियों में, उन रिलेशनशिप्स में जो आपके सिचुएशन में थे, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई। कोई ऐसा पर्सन है, देखिए हो सकता है कि ये पर्सन बहुत कंट्रोल करता हो इमोशनली, या आपके पार्टनर पे इमोशनली डिपेंडेंट हो, जिसने काफ़ी सारे दुखी होने का नाटक करके कि और इस पूरे सिचुएशन को डिसएग्री करा दिया, आपके रिलेशनशिप के प्लान्स को ख़त्म कराने में सक्सेसफुल रहे। और आपके पार्टनर जो है इनके स्टेप्स को समझ नहीं पाए, ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं इसको समझ नहीं पाए, और एक सही चल रहे रिलेशनशिप को, जिसमें काफ़ी स्कोप था, जिसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती थी, उसको खराब करके रख लिया। तो एक मदरली इशू या एक फीमेल इशू मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर को बहुत लोग बहुत कुछ समझाएंगे, मगर आपके पार्टनर चीजों को समझते नहीं हैं, क्योंकि उनके नेचर में है बॉसीनेस, उनको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, और अभी आइडियली आपके पार्टनर पिस रहे हैं इस फीमेल फिगर के साथ। हो सकता है ये कोई लेडी हो, गर्लफ्रेंड या सामबडी, या घर की कोई फीमेल हो, बहन हो सकती है, एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर कोई भी हो सकती है, और अपने लव लाइफ की जिंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने चाहने वाले लोगों को सपोर्ट करते करते अपने चाहत वाले इंसान से दूर हो गए। इनकी जिंदगी की सारी खुशियां जो है वो खत्म हो गई। आप दोनों के बीच में हो सकता है रोका एंगेजमेंट, इस टाइप का कोई सिचुएशन भी होने की बात हुई होगी, और उसके बाद चीजें कैंसिल हो गई, उसके बाद चीजें जो है वो खराब हो गई। आप दोनों की बहुत ज्यादा फन, पार्टी, ये सब का सिचुएशन बनता है, बहुत फन करते थे, बहुत पार्टी करते थे, मगर ये जो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो भी महिला है, इन्होंने आपके पर्सन के माइंड को पूरे कंफ्यूजन में डाल के रखा है। और उसी कंफ्यूजन के वजह से आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके पार्टनर अपने अंतरात्मा की बात नहीं सुन रहे हैं। एक साइड तो वो अपने चाहने वाले लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिनको वो ओवरऑल चाहते हैं, जो कि फैमिली मेम्बर्स वगैरह हो गए, सोसाइटी वगैरह हो गई, और एक साइड वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं, मगर आपके साथ रहने वाला रास्ता इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इतने लोगों को मनाना पड़ेगा कि उनको लग रहा है नहीं, अगर वो आपको छोड़ सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं तो वो मूव ऑन करेंगे। बहुत किसी के पार्टनर ने मूव ऑन करने की जर्नी शुरू भी कर दी है, तो आप किस
चीज़ का वेट कर रहे हो कि जब आपके पार्टनर पूरे तरीके से मूव ऑन हो जाए तब आप मूव ऑन करोगे? नहीं, आप भी धीरे 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 करके मूव ऑन करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जो इस पर्सन से चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप इनको बहुत प्यार देते हो तो सामने से भी वो आपको बहुत प्यार दें, तो वो चीज़ ये पर्सन नहीं करेंगे, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ओके, वो सिचुएशन आपको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो अपने ही हिसाब से चलते रहेंगे, ओके, आपको देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो पिस ही रहे हैं, ओके, और उसके वजह से आपका रिश्ता भी बहुत ताक पर भी आकर के खड़ा हो गया है कि भाई अब क्या होगा, अब कैसे चलेंगी चीज़ें, अब क्या होने वाला है, ओके, और वो इस रिलेशनशिप में मोर देन वन, आपके पार्टनर जो हैं वो मोर देन वन पर्सन से अटैच हो सकते हैं जब आपका रिश्ता चल रहा था तब भी, ओके, तो अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं टेंशन होती है, हो सकता है कि पूरे सिचुएशन में उनको ऐसा लगता हो कि उन्होंने गलत किया, लेकिन गलत को सही करने का कोई स्टेप मुझे नहीं नज़र आ रहा है, गलत का रिग्रेट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रहा है, ओके, रैदर बस जब वो अकेले होते हैं उन्हें रिग्रेट होता है, और फिर जब वो दुनिया के साथ होते हैं तो वो फन करते हैं, अकेले रहते हैं, ओके, अभी इनके मैक्सिमम रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चलेगी क्योंकि एनर्जी अच्छी नहीं चल रही है, अकेले रहते हैं, अपनी दीन दुनिया में बिजी रहते हैं, एक भी गलत स्टेप आपके पार्टनर की ज़िंदगी को सदा सदा के लिए ख़राब कर सकता है। वो पॉजिटिव होकर के चल रहे हैं कि वो आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, इसलिए मैं भी आपको कह रही हूँ कि अगर आप मूव ऑन कर सकते हैं तो समय रहते हुए इस पर्सन से मूव ऑन कर जाएं। आपकी ही स्थिति में आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और भी रहा है, ओके, मतलब कि उनके लाइफ में कोई पास्ट में भी ऐसा पर्सन रहा होगा जिसके साथ एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा ही किया जैसा वो आज आपके साथ कर रहे हैं, या आपने किसी के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही सिचुएशन पास्ट में फेस किया था जैसा आप आज कर रहे हो, ओके, ऑल्दो अब आप बहुत हद तक स्ट्रांग हो चुके हो, मगर पास्ट में आपने सेम एक ऐसे सिचुएशन में आप पड़ चुके हो। आपके पार्टनर आपसे बात करें या ना करें, साथ रहें या ना रहें, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें या ना दें, आपके साथ फिजिकल होने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, और रिश्ते में जो कुछ भी अच्छा होगा उसका सारा श्रेय आपके पार्टनर खुद के ऊपर लेंगे, अपने ऊपर लेंगे, ओके, और आप चाहे इनको जितना भी बोल लो, प्यार से बोल लो, डांट के बोल लो, समझा के बोल लो, ओके, कुछ भी कर लो, ये पर्सन अपने हिसाब से ही सोचने वाले लोगों में से है, अपने हिसाब से ही करने वाले लोगों में से है। आपके पार्टनर का बचपन बहुत बुरा बीता है, उसकी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, चाइल्ड ट्रॉमा के वजह से रिश्ते को कैसे चलाना चाहिए, रिश्ते में एक इंसान को कैसे खुश रखना चाहिए, ये आपके पार्टनर को नहीं आता है। बहुत टाइम्स पे वो करना भी चाहते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आपको आपके पार्टनर से एक रिश्ते का नाम छोड़ करके कुछ भी नहीं मिलता है, फिजिकल अब्यूज़ होने के चांसेस बनते हैं, ओके, हो सकता है आपके पर्सन आपको वर्बली या फिजिकली आपके साथ कुछ ऐसा करें जो आपको एक्सेप्ट ना हो, ओके, इमोशनली या अपने परिवार के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। अकेले में भी अगर आप ये चाहोगे ना कि ये आपको सही बोल दें, तो इनका झुकाव जो है वो इनके अपने लोगों की तरफ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ओके, इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनके साथ ज़्यादा अच्छी बैठ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे परिवार वाले सबसे सही हैं, मेरे घर वाले लोग सबसे सही हैं, और यही बाहर 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 के लोगों का सुन के इन्होंने अपने रिश्ते को ख़राब कर लिया, ओके, और डिसीजन नहीं ले रहे, ओके, तो आप डिसीजन मांगो भी मत। अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता है या अपने रिश्ते के टूटने का डर लेके नहीं चल रहा है तो आप इनको छोड़ दो, ओके, ये खुद अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे अभी रिग्रेट कर रहे हैं आगे और ज़्यादा रिग्रेट करेंगे कि परमानेंट सिचुएशन को इन्होंने टेम्परेरी चीज़ों के लिए छोड़ दिया। आपकी गलती ऐसे लोग भुला दें ऐसा नहीं होता है। अगर आप इनसे सालों साल बाद भी पूछोगे ना कि आपने तब क्या गलती करी थी,
तो ये आपको आपकी गलतियां गिनवा देंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको इनसे एक वर्ड ऑफ तारीफ भी कभी मिलता है। हाँ, आपको पैसे वगैरह मिलेंगे, अच्छा रहन सहन मिलेगा, अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे, बट अच्छा प्यार जो आपको चाहिए, क्योंकि आप गरीबी में भी रह लोगे, ओके, और आप अमीरी में भी रह लोगे, आपके लिए मनी उतना मैटर नहीं करता है। आपके लिए कंफर्ट मैटर करता है, आपके लिए लव मैटर करता है। तो वो चीज़ आपके पार्टनर आपको नहीं देंगे, फंसा के रखेंगे दो लोगों के बीच में। तो फंस के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप फंस के रहने का डिसीजन लेते हो, तो एटलीस्ट एफर्ट लगाइए कि आपका रिलेशनशिप बैक ऑन ट्रैक, सही ट्रैक पे आ जाए। अपने पार्टनर की मदर से, या मदर एसोसिएटेड पर्सन से, या मदर टाइप वाले लोगों से, जैसे बहनें हो गई, कोई भी ऐसी बात ना करें जो आगे जा करके आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो, या आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स को इनिशिएट करें, ओके। आपके पार्टनर जो हैं वो अपने घर वाले लोगों के सामने सर झुका देते हैं। वहाँ पे अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि ये कुछ करने वाले लोगों में से नहीं है। तो जो भी रीडिंग्स आई हैं, मैंने आपको बताया है, बहुत संभाल के आपने ये रिलेशनशिप चलाया तो चल गया, नहीं चलाते तो इनके पास और भी ऑप्शंस थे, ये कहीं और ही मुड़ जाते, किसी और ही डायरेक्शन में चले जाते। तो ये हमारी जनरल रीडिंग थी। आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो पसंद आई होंगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय 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 बाय।